नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मैनिया में। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू 4 मई 2020 का समाचार पत्र। उससे पहले हम चलेंगे कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला प्रश्न था, 1 लाख भारत में कितने मूल्य के डिपॉजिट इंश्योरेंस का प्रावधान है? तो हमने डिस्कस किया था 5 लाख रुपए का। पहले 1 लाख रुपए था, लेकिन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के इशू के बाद 5 लाख रुपए कर दिया गया। लोकपाल के सिलेक्शन कमेटी के सदस्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री बिल्कुल होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये अपनी जगह पर किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी नियुक्त कर सकते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष, लोकसभा स्पीकर। जी बिल्कुल, तो ये 1, 3, 4 और 5 यानी सी सही हो जाता है। सर, इसका बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हमने डिस्कस किया था ये राजस्थान में स्थित है। निम्न में से किस देश की सीमा यूएई से स्पर्श नहीं करती? सऊदी अरेबिया करती है, ओमान नहीं करती, यमन की नहीं करती है। तो ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता थी। तो ये था कल के प्रश्न थे। आज हम डिस्कस करेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। पहली न्यूज है, सेंट्रल हेल्थ टीम्स टू मॉनिटर 20 डिस्ट्रिक्ट्स विथ हैवी केस लोड। तो 20 ऐसे जिले जिनमें केस लोड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सेंट्रल की एक टीम आके विजिट करेगी, क्या मॉनिटर, क्या स्थिति है, उसको मॉनिटर करेगी। अगली न्यूज है, कॉलोनल मेजर एमंग 5 पर्सन किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंट्स जो थे, जो भी आतंकवादी थे, कुछ आतंकवादी थे, उनकी सूचना पाई गई, तो उनके जो है उनसे लड़ते हुए हमारे 5 सेना के जवान शहीद हो गए। अगली न्यूज है, दिल्ली इज़ रेडी टू डील विथ कोविड-19 सीएम। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली पूरी तरह से कोविड से लड़ने के लिए तैयार है। तो ये जैसे कि आप फोटो देख रहे होंगे, तो कल जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब ने मिलकर जो है पूरे राष्ट्र भर के जितने हॉस्पिटल हैं या जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सबको जैसे अस्पतालों पर फूलों की वर्षा की और इस तरह से धन्यवाद दिया, उनका हौसला बढ़ाया। ये चीज़ थी। अगली न्यूज है, फार्मर्स इन पैनिक आफ्टर वाइल्ड एलिफेंट्स किल कैटल। तो कौंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडिया वन्यजीव अभयारण्य है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, मैप में देख रहे होंगे नीचे आप, ये आंध्र प्रदेश में है आपका। देखिए आंध्र प्रदेश, इसके निचले इलाके में जहाँ तमिलनाडु, ये देखिए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर कौंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौंडिया वन्यजीव अभयारण्य। ये एलिफेंट रिजर्व है, यहाँ पर हाथी जो है, हाथियों की संख्या काफ़ी है। तो यहाँ पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में जो है, यहाँ पर जो हाथी है उसने एक जानवर को मार दिया, तो इस वजह से चिंता में है। तो न्यूज़ हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको जानना पड़े, ये जानना आवश्यक है, कौंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडिया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगली न्यूज है, स्क्रैम्बल फॉर फंड्स एज सेंटर टाइटन्स पर्स्ट स्ट्रिंग्स। तो हमने डिस्कस किया था कि द हिंदू एक नई नया प्रोग्राम चलाया जिसमें स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंसेज, तो हर राज्य की वित्तीय अवस्था को दर्शाएगा, किस तरह कितना खर्च किया है और कितनी उसकी कमी है। तो उसमें केरला की बात की है, तो केरला ने 2 मुद्दे बताया है कि जो है भाई, मेरा GST का जो रिटर्न है वो भी नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो GST कॉम्पेंसेशन होता है, जैसे राज्य GST लागू होने के बाद जो भी हमारी करों कटौती हुई, GST एक्ट के तहत हमको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं मिला है। और उसके बाद हमारी बोरोइंग लिमिट यानी हमारे लोन लेने की जो लिमिट है उसको भी नहीं बढ़ाई जा रही है, तो हम काफ़ी समस्या में, ये चीज़ बताया जा रहा है। अगली न्यूज है, 126 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन्स गिवन टू स्टेट्स। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कह रहा है 126 लाख टन हमने जो है राज्यों को दिया है फूड ग्रेन। अब हम देखेंगे थोड़ा बैकग्राउंड इसमें, हमने कई बार डिस्कस किया है लेकिन फिर से देखते हैं कि जो राइट टू फूड, भोजन का अधिकार किसके तहत मिला था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मिला था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसका उद्देश्य था कि 50% शहरी एवं 75% ग्रामीण आबादी को सस्ते दामों में या सब्सिडाइज्ड रेट पर फूड राशन उपलब्ध कराना। इसके तहत कई स्कीमें चलती हैं, आप जानते होंगे, जैसे PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें जिसको कोटा भी बोलते हैं, और आंगनवाड़ी स्कीम चलती है, और जो आपका मिड डे मील स्कीम चलती है, ये सब चलती हैं। तो अभी देखिए वर्तमान में क्या हुआ है, जो कोविड की समस्या के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू हुई, मतलब जारी की गई स्कीम, जिसके तहत आप जानते होंगे 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा फूड ग्रेन मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। थोड़ा सा नेशनल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किससे संबंधित चीज़ आपको जानने की आवश्यकता थी। जावड़ेकर स्लैम्स रिपोर्ट ऑन प्रेस फ्रीडम। तो जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्या है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। तो इस रिपोर्ट जारी की गई एक जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, इसमें भारत को 142वां स्थान दिया गया है। और ये समस्या की बात यह है कि भूटान, नेपाल और श्रीलंका हमसे उच्च स्थान प्राप्त किए हुए हैं, हम उनसे भी नीचे दिखाए गए हैं।
तो जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं ये कह रहे हैं कि भाई देखो ये रिपोर्ट में जो पैमाने हैं वो उचित नहीं है, हम इसका खंडन करेंगे और हम देखें इसका जो है पर्दाफाश भी करेंगे। तो ये चीज़ है, मतलब यहाँ पर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण खबर है वो जानना ये है कि विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये चीज़ आपको जानना। अगली न्यूज है त्रिपुरा अपोज सेटलमेंट ऑफ ब्रू, तो जो ब्रू सेटलमेंट है उनका त्रिपुरा विरोध कर रहा है। तो हम बैकग्राउंड जानेंगे क्या है, ब्रू कौन होते हैं आप देखते हैं थोड़ा सा। ब्रू आपके जैसे आप देखिए ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये असम है, तो इस क्षेत्र में रहने वाले जो एक जनजाति है ब्रू, उसको रियांग भी बोलते हैं। तो 1997 में आपका यहाँ मिजोरम में मुख्यतः रहते हैं, इनका मूल जो निवास मिजोरम है। तो 1997 में कुछ जो है इनकी कम्युनिटी की हिंसा की वजह से ये भाग के यहाँ से त्रिपुरा आ गए। तो अब त्रिपुरा में ये अभी शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तो अभी 2020 में एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, जिसमें जो है त्रिपुरा मिजोरम की सरकार और गृह मंत्रालय तीनों ने मिलकर समझौता किया, और समझौते में कहा गया कि जो लोग यहाँ पर आए हैं तो लगभग 34,000 जो परिवार है उनको त्रिपुरा में ही बसा दिया जाएगा, उनको ज़मीन दी जाएगी, उनको मॉनिटरी असिस्टेंट दिया जाएगा और कुछ दिन के लिए राशन फ्री दिया जाएगा और घर बनाने का मतलब पैसा दिया जाएगा। तो इस तरह उनको बसाने की बात की जा रही है। तो जो त्रिपुरा के लोकल पीपल्स हैं वो उसको अपोज कर रहे हैं कि भाई ब्रू को यहाँ मत सेटल करो। तो आपको जानने का आवश्यकता क्या है कि ब्रू क्या है, ब्रू एक जनजाति है जो मिजोरम में पाई जाती है, त्रिपुरा में भी पाई जाती है, असम के निचले क्षेत्रों में भी पाई जाती है, ये चीज़ मुख्यतः मिजोरम त्रिपुरा असम यहाँ पाई जाती है। और उसके बाद आपको देखना है कि ब्रू पैक्ट हुआ था अभी जनवरी 2020 में हुआ था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जाता है ब्रू समझौता क्या हुआ था। इसको रियांग नाम से भी जाना जाता है और इनका प्रमुख त्यौहार होजागिरी त्यौहार, ये चीज़ आपको जानने का सकता है। अगली न्यूज़ देखिए आपकी पीआईबी संबंधित है, न्यूज़ कम थी तो इसलिए हमने पीआईबी से भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ उठाया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट आस्क स्टेट्स टू स्पीड अप प्रोक्योरमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू सपोर्ट ट्राइबल्स इन बैकड्रॉप सिचुएशन क्रिएटेड बाय कोविड-19। तो जैसे कोविड-19 की समस्या आप जान रहे हैं प्रचलित है, समस्या में है, तो इसमें जो जनजातीय लोग वो भी काफ़ी समस्या में है। तो उनको जनजातियों को देखिए वो जो है मुख्यतः वन्य जीवों पर या फिर वन संबंधित उत्पादों पर आधारित रहते हैं, जैसे शहद निकाल के बेचते हैं या तेंदुपत्ते का व्यापार करते हैं, लकड़ी टिम्बर्स का सबका व्यापार करते हैं, उसी से उनकी जनजीवन चलती है। तो जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लघु वन उत्पाद है, उनकी खरीदारी करिए उनसे ताकि उनको आर्थिक सहायता मिले। तो आप जानेंगे थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में, एक वनधन योजना चलाई गई इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो है जो जनजाति मंत्रालय उसके अंतर्गत, वनधन योजना में क्या है कि उन ट्राइबल्स को जो भी जनजाति पीपल है उनको ट्रेंड किया जाएगा कि वन से आप कैसे धन निकाल सकते हैं, जैसे कि शहद निकाल रहे हैं या फिर जैसे बांस है वहाँ पे, तो बांस से आप कैसे और अच्छे उत्पादों को बना सकते हैं, क्राफ्ट बना सकते हैं, उनको बाजार बेच सकते हैं, तो उनको स्किलिंग डेवलप की जाएगी। तो वनधन केंद्र होते हैं, तो वनधन केंद्र क्या होते हैं, उनको स्किल सिखाते हैं और उसके बाद वो खरीदारी भी करते हैं उनसे, तो इस तरह उनका जीवन यापन अच्छे से हो सकता है, उनको भी आर्थिक प्रगति हो। तो वन धन योजना क्या है ये चीज़ आपको जानने का सकता है। अगली न्यूज है पूरे देश में लोगों तक आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए लाइफ लाइन उड़ान के तहत 422 उड़ानें संचालित की गई। तो लाइफ लाइन उड़ान योजना क्या है आपको जानने का सकता है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान समस्या में, जैसे आप समझ रहे रेलवे सारी बंद है, ट्रांसपोर्ट सारी बंद है, तो जो भी इसेंशियल सर्विसेज है जैसे आपकी मेडिकल हो गई या फिर खाद्य सामग्री बहुत जो आवश्यक है, तो उसको वायुयानों के माध्यम से जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत किया जा रहा है, ये चीज़ आपको जानने का सकता है। अब हम चलेंगे इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, मरीन इंकर्जन फाइल सेज वेनेजुएला। तो वेनेजुएला ने कहा कि जो जल मार्ग से कुछ लोग तख्ता पलट करने आ रहे थे हमारे यहाँ, उसको हमने पर्दाफाश कर दिया है। तो वेनेजुएला हमने डिस्कस किया था, ये काफ़ी संकट में है, क्यों, क्योंकि ये मुख्यतः तेल आधारित अर्थव्यवस्था है और आप समझ रहे हैं तेल के दाम गिर चुके हैं, और आप कोई भी अर्थव्यवस्था अगर केवल एक क्षेत्र पर आधारित रहती है तो वो ज़्यादा खतरे में रहती है कि अगर उस क्षेत्र में प्रभावित हुआ तो पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। तो वेनेजुएला की लगभग 95% अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है और तेल के दाम इस समय गिर चुके हैं, तो वहाँ पर अशांति आई है और जो है अमेरिका भी वहाँ पर सरकार को बदलना चाहता है, जॉन गुआडो जो विपक्ष नेता है उनको वहाँ पर बैठाना चाहता है। तो हम यहाँ पर मैप देख लेंगे थोड़ा सा, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर उत्तर अमेरिका है, ये नीचे दक्षिण अमेरिका, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है और सबसे ऊपर पाया जाता है देखिए वेनेजुएला, कैरिबियन सागर के पास लगभग, तो आप देखेंगे कैरिबियन सागर के निकट पाया जाता है, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन उत्तरी अटलांटिक महासागर है और ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, यानी देखिए दक्षिण अमेरिका के
पश्चिमी तरफ प्रशांत महासागर और पूर्वी तर किनारे आपका अटलांटिक महासागर है। वेनेजुएला की राजधानी कारकास ये चीज़ आपको जानने का सकता है। और इक्वेटर देखिए जो भूमध्य रेखा है या किन किन देशों से जाती है, देखिए ये आपका है कोलंबिया, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, वेनेजुएला से नहीं जाती है, आपको ध्यान देना। इक्वेटर किन किन राज्यों से पास, किन किन देशों से पास होती है, ये चीज़ आपको देने का सकता है। अगली चीज़, यूके हैड कंटिंजेंसी प्लान फॉर पीएम्स डेथ। तो जैसे कि आप जानते हैं जो पीएम बोरिस जॉनसन है यूनाइटेड किंगडम के, उनको कोविड हो गया था, तो ये बता रहे हैं इन्होंने, मतलब बताया कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो यूके के लिए, यूके ने एक अगले कंटिंजेंसी प्लान यानी आकस्मिक प्लान की व्यवस्था की थी कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, तो ये चीज़ बताया है। तो न्यूज़ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देखेंगे यूके का थोड़ा सा मैप। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये तो ये आपका आयरलैंड है उसी के अंतर्गत। तो ये नॉर्थ सी, ये नॉर्थ सी है, ये आपका अटलांटिक सी है, बे ऑफ बिस्के है, और ये फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, तो ये सब चीज़ें, नॉर्वे, स्वीडन, तो ये चीज़ें मैप आप देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है मैप यहाँ पर। अगली न्यूज, सऊदी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ऑन ट्रैक डिस्पाइट इकोनॉमिक डाउन टर्न। तो जो सऊदी के अम्बेसडर है इंडिया में, उनका नाम है सऊद बिन मोहम्मद अल सती, तो उनसे इंटरव्यू में जो है द हिंदू ने पूछा है कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि लगभग सऊदी, देखिए मेनली ये भी ऑयल इकोनॉमी है, तो ये इंडिया की ऑयल इकोनॉमी में काफ़ी, या खासकर रिलायंस इंडिया लिमिटेड के जो ऑयल प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करने वाली थी। तो यही पूछा इनसे जा रहा है कि जो है, मतलब क्या उसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्या वो आपका प्लान चेंज तो नहीं हुआ कोविड-19 की वजह से? बोले नहीं, हम जैसे हमारा प्लान तो वैसे ही हम इन्वेस्ट करेंगे अभी भी। इंडियन ओन्ड कंपनी डेवलप्स टेस्ट किट। तो एक भारतीय ओन्ड कंपनी है, अमेरिका में है, उसने भी एक रैपिड टेस्ट की, जो एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है, जो जैसे अभी हमने न्यूज़ सुना था कि चाइना से एंटीबॉडी टेस्टिंग टेस्ट आ रहे हैं वो फेल हो जा रहे हैं, तो उसने डेवलप की है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। अब देखें आज के प्रश्नों को जो हमारे समाचार पत्र से संबंधित हैं, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौंडीय वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। प्रश्न संख्या दो है, ब्रू या रियांग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। 1, 2, 3, 2 व 3, 1, 3, 4 व 5 या उपर्युक्त सभी, कौन से इसमें सत्य है आपको बताना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नीति आयोग। वन धन योजना किससे संबंधित है? लघु वन उत्पाद या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वन्य जीव संरक्षण से, जनजातीय पेंशन, जनजातियों के शैक्षिक उदार से। तो ये था 4 मई 2020 का डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, यदि कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या कोई महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको लगता है कि हम उस पर काम करें तो आप हमें सुझाव दें, हम उस पर एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।